हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं मटन चाप तवा फ्राई, झटपट बनने वाली मटन तवा चाप फ्राई। हमने लिया 1 से 1.5 किलो गोश्त, इसमें चाप भी है और हड्डी वाला भी है, बोनलेस भी, तीनों मिक्स हैं। गोश्त हम इसको एक कुकर में शिफ्ट कर लेंगे सारे गोश्त को। ये देखिए, अपने सारा गोश्त डाल लिया इसमें, मटन अपना सारा डाल लिया। उसके बाद हम मटन डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें हमने 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच ज़ीरा पीसा है। ये देखिए, 2 चम्मच थोड़ा सा बचा है, वो भी हम सारा इसमें डाल लेंगे। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें। और हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आपके नहीं है तो आप पिसा हुआ डाल दीजिए। और हम लेंगे इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाला, 1/4 चम्मच ले लेना आप। और लेंगे हम 1 चम्मच, मैंने अभी थोड़ा सा कम लिया है, लेकिन आप पूरा भर के डालना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नमक बाद में और डाला था। और इसमें हमने देखिए सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने इसमें पानी डाला है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने डाल दिया। और ये मुझे अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने इसे परात में करके मिक्स किया था। और ये लिए हमने 4-5 हरी मिर्ची, 6-7 लहसुन और थोड़ा सा धनिया, 5-6 स्ट्रेंथ धनिए के लिए। और इसको हम चटनी बना लेंगे। और इसमें हमने लिया 1/2 कटोरी दही और 1/2 कटोरी क्रीम, क्रीम भी है और दही दोनों चीज़ है। दही की वीडियो स्किप हो गई। और ये जो हमने चटनी पीसी थी वो हम सारे डाल लेंगे। चटनी में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एकदम कम पानी डालकर पीसेंगे। और ये हमने डाला इसमें टिक्का मसाला। ये देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी, धनिया, मिर्ची तीनों चीज़ डाल दीजिए। और ये हमने डाला नमक 1/2 चम्मच से भी कम, क्योंकि हमने अपना नमक मटन में पहले उबाल लिया था डालकर। और हम अब इसमें डालेंगे, ये देखिए, 1 चम्मच चाट मसाला भर कर डालेंगे पूरा। ये डाला हमने 1 चम्मच चाट मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे सारे ड्राई मसालों को, अच्छे से क्रीम और दही में मिला लेंगे हम इसको। और थोड़ा सा पिंच, 1 पिंच हमने फूड कलर डाला, ये ऑप्शनल है, मर्जी हो तो डालिए वरना कोई बात नहीं। ये खूब अच्छे से हम मिला लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिल चुका है बैटर। अब हम इसमें अपना मटन डालेंगे। वो छोटा कुकर था उसमें मेरा मटन नहीं आया, इसलिए मैंने दूसरे कुकर में शिफ्ट किया था। और ये हम इसमें से पूरा पानी हमने इसमें जला दिया, बिल्कुल सब कुछ पानी जला दिया। और ये सारा इसमें से हम डालेंगे, मटन निकालेंगे। ये देखिए, आप ठंडा करके डालना, मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने इसे गर्म में डाल दिया। खूब अच्छे से इसमें हम ये बैटर को अच्छे से लपेटेंगे, सारी बोटियों में, हड्डियों में अच्छे से लपेटेंगे, खूब अच्छे से। और इसको अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख के ये सबको सेट कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए या फिर 1/2 घंटे के लिए। और अगर आपको टाइम है आप रख सकते हैं तो फ्रीज़र में नीचे, फ्रिज में नीचे रख दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये देखिए, तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, आप इससे भी कम ले सकते हैं। मेरा गोश्त थोड़ा फैटी है, उसमें थोड़ी चिकनाई है गोश्त में, काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा, तो इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, खूब अच्छे से हमें तेल गर्म करना है, हमें गैस मीडियम रखनी है। ये देखिए, हम इसमें डाल देंगे, एक एक चाप उठा के हम इसमें डालते हैं। ये देखिए, ये देखिए, कुछ बूटी डाल दिए मैंने, कुछ चाप डाल दिए, ये डाल दिए हमने, ये एक एक करके अच्छे से डालेंगे। केयरफुल करना है, क्योंकि इससे छींटे आती हैं, हाथ जलने का डर रहता है। बहुत ही आराम से, ध्यान से करना है, गैस को हमें एडजस्ट करते रहना है। अगर तेल कम लगे कि कम तेज़ है तो आपको तेज़ कर देना है, आपको ध्यान से करना है। और बोटियों को अलट पलटते रहना है,
ताकि हमारी बोटियाँ अच्छे से पकें, फ्लेवर अच्छे से जाए, डॉट्स अच्छे से पड़े। देखिए सीखने पे आ चुका है ये, अब इसे 5 से 10 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसमें चिकनाई है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपका फैट फ्री गोश्त होगा, मतलब बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होगी, आपका गोश्त बिल्कुल साफ होगा, तो बहुत ही जल्दी ये सीख जाएगा। मैंने इसका जो तेल था वो निकाल लिया था और इसको सेकेंगे। चाहिए देखिए ऐसे डॉट्स आ गए हैं, हमारी सारी बोटियाँ अच्छे से सीख चुकी हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं, डिश में निकालते हैं, एक एक करके हम बोटियों को उठाएंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये बोटियाँ। ये देखिए हम एक एक करके सारी बोटियों को आराम आराम से केयरफुल होके निकालेंगे सारी बोटियाँ अपनी बहुत ही अच्छे से। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, देखिए चार बोटियाँ सब रख ली। ये हमारा तैयार हो गई मटन तवा चाप, बहुत ही टेस्टी, आसान, जल्दी बनने वाली।